और कहने में महज दो अल्फाज, लेकिन अगर उन्हें जिंदगी से निकाल दिया जाए तो जिंदगी बेजायका हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनसे जिंदगी बेजायका हो सकती है। तो जी बिल्कुल सही सुना आपने, अगर लफ्ज हॉट एंड स्पाइसी दो लफ्जों को जिंदगी से निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रहेगा। मुझे लगता है कि जिंदगी बेरंग और बेजायका हो जाएगी। आज 16 जनवरी को दुनिया भर में हॉट एंड स्पाइसी डे मनाया जा रहा है। इस पर लोगों से बात करते हैं कि अगर जिंदगी से स्पाइसेस को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रहेगा। आपको दिखाते हैं। अगर जिंदगी से स्पाइसेस को निकाल दिया जाए तो बाकी क्या रहेगा। जिंदगी बिल्कुल फीकी हो जाएगी। आउटिंग्स का कोई मजा ही नहीं रहेगा, ना गैदरिंग्स का ना सेरेमनीज का, बोरिंग हो जाएगी। जिंदगी से स्पाइसेस को कैसे निकाल सकते हैं? जिंदगी को तो स्पाइसेस के साथ है। वो कहते हैं दे से दैट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो स्पाइसेस जो है वो जिंदगी का बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, तो आप स्पाइसेस को जिंदगी से निकाल ही नहीं सकते। स्पाइसी फूड हमारे जिस्म में डोपामिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे हम हेल्दी महसूस करते हैं। जीरा और हल्दी भी अहम मसाले हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल जैसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया और जर्म्स का खात्मा करते हैं। इसी पर लोगों से बात कर लेते हैं कि खाने में मसाले कितने इंपॉर्टेंट हैं, दिखाते हैं आपको। खाने में मसाले कितने इम्पोर्टेंट हैं? खाने में मसाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तो हम खाना बना ही नहीं सकते ना। जब तक मसाला कोई भी नहीं होगा तो हम खाना कैसे बना सकते हैं, उसके अलावा तो टेस्ट ही नहीं आता। बिना मसाले के तो खाना है नहीं ना, आपको टेस्ट ही नहीं मिलता। वो समझ लें कि आप मतलब कोई टेस्ट है नहीं, तो लिहाजा मसाले बहुत ज़रूरी है। मसाले नहीं तो ज़िंदगी नहीं। मसाले अगर ना होते तो ये होटल्स ना होते। हम चने बनाते हैं, अंडा कोफ्ता मुर्ग चने बनाते हैं, ये मसालों के ऊपर ही बनते हैं। जैसे ज़ीरा हो गया, माद्या खताई होगी, दालचीनी होगी, खास करके काली मिर्ची, ये चीज़ें इसके अंदर ऐड होती है। स्पाइसी खानों में आपके पास वैरायटी क्या है? हमारे पास स्पेशल छोटे पाए हैं, बड़े भोंग पाए हैं, खाद मगज बान चने अंडा कोफ्ता मुर्ग चने रोटी नान पराठा चाय बोतल लस्सी हलवा पूड़ी भटूरे दाल चावल शामी पुलाव न्यारी मगज सब कुछ मिलेगा। पहले टेस्ट करें फिर खाएं। अच्छा, कोई एक स्पाइसी डिश जिससे आपके कानों में धुआं आने लग जाए? लाहौरी बिरयानी। मेरे हाथ की निहारी बहुत स्पाइसी होती है, खा के पूरी फैमिली बहुत तारीफ करती है। नमकीन रोटी एंड नमकीन रोस्ट। जी नाज़रीन, ये कहा जाता है कि स्पाइसी फूड खाने से हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो साइंस कहती है कि जो लोग रेगुलर स्पाइसेस खाते हैं उनमें ये चीज़ बहुत कम देखने को मिली है। स्पाइसी फूड खाने से मोर्टेलिटी रेट 14% तक कम होता है, ये हम नहीं रिसर्च कहती है। अगर सुर्ख और हरी मिर्ची की बात की जाए तो सुर्ख मिर्ची का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे मारने में भी मदद करता है। और हरी मिर्ची की जो अगर बात की जाए तो उसमें डायबिटीज से लेकर वजन कम करने तक के फायदे मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे सेगमेंट देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।